गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जरूर कर लें, अदरवाइज आपका जो पैन कार्ड है वो बेकार हो जाएगा और आप उसे कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसे आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और थ्री डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप मोड, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ ये सभी प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। सर्च करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं incometax.gov.in की एक वेबसाइट मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक आधार का। तो इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो हमारे आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टेटस चेक करेंगे, जिसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक आधार स्टेटस का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है पैन नॉट लिंक विथ आधार, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। और उसके बाद आगे लिखा है प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन, यानी कि आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है जिसपे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको लिंक आधार वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा, नीचे आना है और यहाँ पे लिंक आधार का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि किन लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप NRIs हैं तो आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करना है, और या फिर अगर आप नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के सिटीजन नहीं है अगर आप, तो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपका एज जो है वो 80 ईयर से ज्यादा है तो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप इन स्टेट से आते हैं जैसे कि असम, मेघालय या फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, यानी कि इस पैन कार्ड पे कोई भी पेमेंट डिटेल्स फाउंड नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपीज का पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर पाएंगे, अदरवाइज आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं हो पाएगा। तो आधार पैन लिंकिंग का जो फी पेमेंट है 1000 रुपीज, उसे पे करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे आपको उसी पैन कार्ड नंबर को दोबारा डालना है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर लिखा रहेगा, आपके पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखा रहेगा, इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, बट हमें यहाँ पे इनकम टैक्स के सेक्शन में एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर चूज करना होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है असेसमेंट ईयर में आपको 23-24 वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट चूज करना है आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर रिसिप्ट का, यहाँ पे इसके सामने 500 लिखा हुआ है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर्स में लिखा हुआ है 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज का हमें पेमेंट करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप अपना पेमेंट मोड चूज करेंगे कि आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या फिर आप चाहे तो अपने बैंक के काउंटर पे जाके पेमेंट कर सकते हैं,
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है RTGS NEFT, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पे नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा 1000 रुपीज, आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम UPI वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, और इसके सामने आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पेमेंट चालान का जो रिसीट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर रहेगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रहेगा, यहाँ पे मेजर हेड में लिखा है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, और माइनर हेड में लिखा है अदर रिसिप्ट 500, और अमाउंट में यहाँ पे लिखा है 1000 रुपीज, और उसके बाद CIN नंबर आपको यहाँ पे एक मिल जाता है। एंड पेमेंट आपने किससे किया है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक BSR कोड और एक चालान नंबर और एक टेंडर ID लिखा हुआ है। तो इस स्लिप को आपको संभाल के रखना है, आप चाहे तो इसे PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं, आगे रिकॉर्ड के लिए आपको काम आएगा। उसके बाद बैक आना है आपको पोर्टल पे, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको समरी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली हमने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का जो ऑनलाइन फी पेमेंट है 1000 रुपीज का, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेज अपना कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड स्टेज में आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, इस पे आपको क्लिक करना है। सो अगेन हम इस पोर्टल पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, यानी कि हमने जो ऑनलाइन पेमेंट अभी किया है 1000 रुपीज का वो तुरंत वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो पेमेंट है वो तुरंत वेरीफाई हो चुका है। और अब हम अपने आधार को पैन से लिंक करने का जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका चालान सीरियल नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे BSR कोड दिखेगा, आपने कितना पेमेंट किया था वो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, और किस डेट को आपने पेमेंट किया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड पे आपका जो भी नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको एग्जैक्ट यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पे आपको टिक करना है। एंड उसके बाद आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP फिल करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड वैलिडेट करते ही यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज, यानी कि आपका जो पैन आधार लिंक का जो रिक्वेस्ट है वो UIDAI को भेज दिया गया है वैलिडेट करने के लिए। जैसे ही वैलिडेशन कम्प्लीट हो जाता है तो आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। आप चाहे तो लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक हुआ या नहीं। तो अब आपको वेट करना होगा लगभग 24 घंटे तक। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन इसी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, यानी कि आपका ये जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। सो फाइनली अब हमारा जो पैन कार्ड है वो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। सो जैसा कि आपने देखा हमने 3 स्टेज को कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा जो पैन है वो आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। सो पहले स्टेज में आपको पैन से आधार लिंक करने का जो फी पेमेंट है 1000 रुपीज का, उसे आपको कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने का रिक्वेस्ट डालना होगा, और थर्ड
स्टेज में आपका जो पैन है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होने में हमारा 2 दिन का टाइम लगा है। 2 दिनों के अंदर अंदर हमारा जो पैन कार्ड है वो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। तो इस तरह आप काफी आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक करने का जो ऑनलाइन फी पेमेंट है 1000 रुपीज का, उसे कम्प्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड की डिटेल्स आधार से मैच नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पैन कार्ड में जो भी नाम लिखा हुआ है वो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपके पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है या फादर नेम लिखा हुआ है वो आपके आधार से मैच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने पैन कार्ड में करेक्शन कराना होगा। यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी फादर नेम लिखा हुआ है, सेम वही डिटेल्स अगर आप अपने पैन कार्ड पे भी अपडेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख के सीख सकते हैं कि हम अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है वो नहीं मालूम है, उन्हें नहीं पता है कि हम अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी रेगुलर वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।